यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा को सुधारने के लिए योगी सरकार लाख प्रयास कर रही हो, लेकिन कानपुर देहात के जिला अस्पताल के हालात कुछ और ही बयां करते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में करोड़ों रुपयों के खर्च के बाद भी मरीजों को सुविधा के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है। मरीज को परिजन अस्पताल में रखी मेज पर लिटाकर बाहर तक ले जा रहे हैं। उन्हें ना तो स्ट्रेचर दिया जा रहा है और ना ही कोई अस्पताल का कर्मचारी मदद के लिए आगे आ रहा है। मरीज के परिजनों का कहना है कि वे सुबह से बैठे हैं, लेकिन मरीज को देखने वाला कोई नहीं है। कुछ मरीजों का तो ये भी कहना है कि वो यहाँ 13 दिनों से हैं, लेकिन उनका इलाज भी सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। तो कानपुर के अस्पताल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मरीजों को स्ट्रेचर भी उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। परिजन मेज पर ही मरीजों को लेकर जा रहे हैं। तो कानपुर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर न सिर्फ मरीज के परिजन बल्कि मरीज भी यहां पर शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। और मरीजों का कहना है कि उन्हें यहां पर अस्पताल में रहते हुए तकरीबन 13 दिन हो गए हैं, उससे भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन यहां पर जो डॉक्टर है वो समय पर इलाज करने नहीं आते हैं और ना ही इलाज अच्छे तरीके से किया जा रहा है। इसी के साथ उन्हें स्ट्रेचर भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और तमाम अन्य जो सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिल पा रही हैं। आज 12 दिन हो गया था। क्या बीमारी थी आपको? अब बीमारी पूरा बदन में शरीर फूला हुआ है, डॉक्टर कोई सुनवाई नहीं कर रहे था। अब आज 12-13 दिन हो गया उसको, दूसरे के यहाँ छोड़ गया है। ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है, सबको समय से उपचार दिया जाता है। कभी कभार जैसे भीड़ ज़्यादा आ गई तो वो आने जाने में दो एक जो कर्मचारी हैं उनको देर हो जाती है, कोई पीछे लगा हुआ है, कोई साइड रूम में लगा हुआ है, ऐसी बात है। लेकिन लापरवाही कोई बात नहीं।